जब एक योगी हार्ट सेंटर पे पहुंचता है तो वो सेक्शन 2 से काम कर सकता है, और जब वो आगे चक्र पे पहुंचता है तब वो सेक्शन 3 से काम कर पाता है। जब एक योगी ब्रह्म चक्र पे पहुंचता है तभी वो फोर्थ सेंटर से, या तो कहना चाहिए सारे सेंटर्स के थ्रू काम कर पाता है, उसके पहले नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनुगा चैलेंज 2023 में। आज का वीडियो थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो एक तो मन को विश्वास नहीं होगा और दूसरा कंफ्यूजिंग भी होगा। आज का सवाल है, क्या ये सच है कि जब एक आदमी की कुंडलिनी जगती है तब वो इंसान सुपरनेचुरल ताकत का मालिक बन जाता है, मतलब उसके पास चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन हुआ था, वो जब सूली से उतार के रखा गया था तो उनकी ग्रेव में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ से ज़िंदा होके वो बाहर निकल गए थे। ऐसे कुछ होता है जब हमारी कुंडलिनी खुलती है, कुंडलिनी और स्वास्थ्य भी कुंडलिनी का एक गिफ्ट होता है। कोई आदमी केवल बीमार हो तब नहीं, मर भी गया हो और उसकी कुंडलिनी अगर खुली है तो वो स्वस्थ हो सकता है। कुंडलिनी बहुत कुछ है, आनंद है, आराम है, शांति है, नींद है, विश्वास है, फेथ और विजडम है। नॉर्मली दुनिया के जितने भी योग स्कूल हैं वो सब कुंडलिनी को जिस तरह से समझते हैं, यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से समझेंगे। हम वैसे यहाँ नहीं समझते हैं। हमारे हिसाब से कुंडलिनी का मतलब होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एक ऐसे थॉट्स की एनर्जी जो बढ़ सकती है और अगर ध्यान न दिया तो घट सकती है। जब तक हमारे माइंड में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम से कम माइनस या प्लस हाफ जनुगा यूनिट नहीं हो जाता, तब तक हमारी जनुगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक गांठ के रूप में हमारी इदा और पिंगला में फंसी रहती है। और जब ये 1 जनुगा यूनिट हो जाती है, प्लस 1 जनुगा यूनिट, तब ये उठती है, अपनी नींद में से जगती है और वहाँ से आपकी कॉन्शियसनेस उठती है और कहा जाता है आपके अनाहत चक्र यानी हार्ट सेंटर पे पहुँच जाती है। और जब ये 1 से 2 जनुगा यूनिट्स हो जाता है तब ये पहुँचती है आपके विशुद्धि चक्र पे, थ्रोट सेंटर पे। और जब यही 3 जनुगा यूनिट जब होता है तो पहुँच जाता है आज्ञा चक्र पे, मतलब यहाँ पे। और जब ये 4 जनुगा यूनिट होता है तब ये पहुँचता है ब्रह्म चक्र या तो सहस्रार चक्र में, लेकिन एक शर्त है दोस्तों, जब ये 4 जनुगा यूनिट होता है उस कंडीशन में आपका कॉन्शियस माइंड का रेशियो IESM का रेशियो 5:2:1 होना चाहिए। इससे अगर फ़र्क हुआ तो आप फ्री नहीं हो सकते। और अगर आपका रेशियो 5:2:1 नहीं हुआ तो आप या तो अनाहत चक्र पे या विशुद्धि चक्र पे या आगे चक्र के ऊपर ही घूमते रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। और जब भी जनुगा यूनिट 1, 2 या 3 होता है या 4 होता है, इन सभी कंडीशंस में सुषुम्ना नाड़ी यूज़ होती है और साथ ही साथ आप समाधि में भी जा पाते हैं। लेकिन हाँ, आप जाते हैं सबीज समाधि में, एक ऐसी समाधि में जिसमें आपको वापस आने का मौका होता है। जब एक योगी हार्ट सेंटर पे पहुंचता है तो वो सेक्शन 2 से काम कर सकता है, और जब वो आगे चक्र पे पहुंचता है तब वो सेक्शन 3 से काम कर पाता है। जब एक योगी ब्रह्म चक्र पे पहुंचता है तभी वो फोर्थ सेंटर से, या तो कहना चाहिए सारे सेंटर्स के थ्रू काम कर पाता है, उसके पहले नहीं। अब इस बात को समझना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा कि जब तक एक इंसान अपने सेक्शन 4 पर नहीं पहुंच पाता और सेक्शन 4 के थ्रू वो अपने आप को नहीं जी पाता, तब तक वो किसी एक सेक्शन से ही काम करता रहता है। इसको समझना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं है। फिलहाल आप जिस माइंड से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस मन से मुझे आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो आपका सेक्शन 1 है। लेकिन आपको इतना तो पता है कि आपके पास सेक्शन 2 भी है, क्योंकि अभी रात को आप जाएंगे, सोएंगे और आप दूसरे सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो कम से कम इस बात का भरोसा रखें कि आपके पास 2 सेक्शन है, लेकिन दोनों सेक्शन को आप एक साथ नहीं जी पाते। जब आप सेक्शन 1 में होते हैं तो सेक्शन 1 के थ्रू काम करते हैं जैसा अभी कर रहे हैं, और जब आप सोते हैं तो सेक्शन 2 के थ्रू काम करते हैं,
इसके अलावा सेक्शन 3 होता है जब आप जनोगा 3 जनोगा यूनिट्स स्कोर कर पाते हैं, और लास्ट में जब आप सेक्शन 4 पे पहुंचते हैं तब आप चारों सेक्शंस के थ्रू एक साथ काम कर पाते हैं। ये चीज़ फ़िलहाल हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने अभी केवल एक सेक्शन को एक टाइम पर जीना सीखा है। सवाल ये उठता है, कोई आदमी चमत्कार कैसे दिखा पाता है, कब दिखा पाता है? जब एक योगी हार्ट सेंटर पे, अनाहत सेंटर पे पहुंच जाता है तब उसकी सेलुलर मॉलिकुलर बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसके थ्रू वो काम कर पाता है। तो उसके थ्रू जो भी बेसिक चमत्कार हो पाते हैं वो दिखा पाता है। और जब एक योगी आगे चक्र पे पहुंचता है, मतलब यहाँ पर पहुंचता है, तब वो मॉलिकुलर बॉडी से अलग होकर के भी काम कर सकता है, तो उसके चमत्कार और ज़्यादा गूढ़ होते हैं और मुश्किल होते हैं। लेकिन जब एक योगी अपने ब्रह्म चक्र पे पहुंच जाता है तब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के थ्रू काम करता है। हमारा वो सेंटर जहाँ पर सारे रेजिडुअल सेंसेशंस हैं, जैसे कि वो शुरुआत में थे, शुरुआत में, वो है मूलाधार चक्र। वो हमारा बेसिक चक्र है, सबसे पहला चक्र। और वहाँ पर जो हमारी बंधी हुई एनर्जी है उसको कहते हैं कुंडलिनी। कुंडलिनी मतलब कॉइल्ड अप, के वो कुंड बनाकर बैठी हुई है, अभी खुली हुई नहीं है। अगर इस पूरी चीज़ को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में समझें तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। हमारे बॉडी में दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, एक होता है स्टैटिक या तो एनाबोलिक पावर, और दूसरा होता है डायनेमिक या तो कैटाबोलिक पावर। जो स्टैटिक होता है उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पेथेटिक या तो प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और जो डायनामिक होता है उसको बोलते हैं कैटाबोलिक पावर या तो सिंपैथेटिक या तो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। लेकिन हमारे ब्रेन में एक वर्टिकल कैविटी है, एक सीधी कैविटी है, और वही हमारे अंदर में ब्रह्म का सीट है, वहीं ब्रह्म रिजाइड करता है। और वहाँ जाने के लिए हमारे ब्रेन में एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और वो रास्ता फोर्थ वेंट्रिकल का बहुत ही पतला सा, बहुत ही महीन सा, बारीक सा होता है, और यहाँ से आप ब्रेन के वेंट्रिकल में घुसते हैं, एक्चुअल ब्रेन के अंदर, और इसी में से चैनल्स निकलते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और ब्रेन के सब एरेक्नाइड स्पेसेस में जाता है। ये ब्रेन के अलग अलग लेयर्स हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुंडलिनी एक गार्ड का काम करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजे को, ओपनिंग को गार्ड करती है, रक्षा करती है हमारे ब्रेन के सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम में। और आगे अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, बाद में प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि जो कुंडलिनी होता है वो हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे मूलाधार चक्र तक एक्सटेंड करता है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कला कुंडली जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, रीढ़ की हड्डी के लोअर पार्ट में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कुल कुंडली हमारी रिजल्टेंट पैटर्न और रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों है। मतलब जो कुछ भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, जी रहे हैं और बेहोशी के साथ उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसको फिर से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी मेमोरीज, वो है रिजल्टेंट पैटर्न। लेकिन उसको हम एक्सपीरियंस क्यों कर पाते हैं, जी क्यों पाते हैं, क्योंकि उसके साथ ही साथ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये है हमारे बेसिक मूलाधार चक्र पे, ये एक कैविटी है, एक ऐसी कैविटी जिसको 6 दरवाजों से गार्ड किया जाता है, और इन दरवाजों को खोलने की पावर केवल और केवल हमारी कुंडलिनी में है, और कोई चीज़ इन दरवाजों को नहीं खोल सकती, कोई मंत्र, कोई जप, कुछ नहीं। और यहीं पर हम अपने चित्त को या माइंड स्टफ को पकड़ते हैं और उसको साधा जाता है, स्टडी किया जाता है प्राणायाम के जरिए, एक तरह से बिखरते हुए माइंड स्टफ को, डिस्टर्ब्ड माइंड स्टफ को यहाँ लाया जाता है और प्राणायाम के जरिए उसको स्टडी बनाया जाता है। जब तक हमारा माइंड और हमारा प्राण ये दो कन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज़ की तरह काम करेंगे, मतलब हमारे प्राण अलग तरीके से चल रहे हैं और हमारा माइंड अलग तरीके से चल रहा है, तब तक हमारी ज़िंदगी एक राइट में रहेगी, एक केओस में रहेगी। और आप कितनी भी चमत्कार कर सकें, आप दुनिया के बड़े से बड़े ब्रह्मांड को भी अगर आप हिला सकें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आत्मन अभी भी माया के गिरफ्त में है। तो आपके सवाल का जवाब दोस्तों ये है कि इस बॉडी के अंदर में वो सारी चमत्कारी शक्तियां हैं जिसमें आप एक छोटे से कीटाणु से लेकर के पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप पूरी तरह से फ्री न हो जाएं। इसी फ्रीडम का रास्ता है जेन योगा या तो योगा शीश।